समस्त को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर षष्ठ अध्याय वस्तु और पदार्थर परिवर्तन विषय वस्तु संपर्क आलोचना करिबा। विषय वस्तु आलोचना करने पूर्व प्रथम यह भिडियोटी उद्देश्य संपर्क मुझे कहूँ शिखिबा विभिन्न वस्तु और पदार्थर परिवर्तन घटे परिवर्तनर प्रकार जेपरी स्थायी और अस्थायी प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती और भौतिक रासायनिक वस्तुर अवस्थार परिवर्तन उपरे तापर प्रभाव द्रवणर मुख्यतः तीनोटी अवस्था थाए संतृप्त असंतृप्त और अति संतृप्त आउ द्रवणीयता उपरे तापर प्रभाव थाए। अच्छा पिला माने तुम्हें तुम चतुर्पार्श्वरे अनेक परिवर्तन देखुथुबो से सबकु अति पाखरो आमे लक्ष्य करूछे जेपरी क्षीरु दही हेबा चाउलरु भात हेबा जल बाष्प हेबा फूल कढ़ फूल फुटिबा ऋतु परिवर्तन हेबा दिन जाई संध्या हेबा संध्या पुणी राति होउछि तबे ए सब परिवर्तन जो आम लक्ष्य करूछु ता सब कौन एक प्रकार आसो से संपर्क आम आलोचना करिबा। देखो पिला माने तुम सामना रे कैंडल टिए रहिछि ताको आमे प्रथमे जाळी रखिबा एठि कैंडल टि जळुछि एवं एई प्लेट रे मु किछि बरफ रखिछि ये होउछि ए बरफ खंड रहिछि या तुम देखो या आमे किछि समय छाड़ दो ए भीतर किछि समय अतिक्रांत होइछि एबे देखो मोहम्मद थ्री जळि जळि सरी आसिलाणि एवं पाखरे मध्य बरफ जो थिला ता मध्य तरळि गलाणि तबे ए जो मोहम्मदी जळि जळि सरी आसुछि आमे एटु कोन लक्ष्य करि एटु भल भल लक्ष्य कर देखो एटी रहिछि मोहम्मद तरळि गला तले किछि बसि रहिछि भाई तले मध्य कैंडल रे लागि करि रहिछि आउ जेतिकि सरिछि ता समस्त एठी नाही किसी तरल अवस्था रे पुणी थंडा है ता कठिन अवस्था को आसी तेज ये आम दुईटा कथा लक्ष्य कले गोटे हूँ कि महम जल्ला जल्बार साय कला जलीगला आउ कि पुणी महम अवस्था को आसला ये दुईट अवस्था आम पाइले जो महमटा जलीगला ता फेर ना ताको आम कह स्थायी परिवर्तन एवं जो महम तरल की पुणी महम हो जाकू कह अस्थायी परिवर्तन एवं ये जो बतीटे जलुची ता एक स्थायी परिवर्तन ताब फेर ना तेरे ये लक्ष्य कर ये बरफ खंड रही बरफ ताकि पा जल थंडा हो गला बरफ हो जाता पुणी देख यह घर तापम्रा तरली पुणी पा ए जो महम जली सरीगला ताको आम स्थायी परिवर्तन बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन बोली कह एवं जो महम तले बसीगला पुणी तरली पुणी कठिन अवस्था को आसला ताको आम कह अस्थायी परिवर्तन बा प्रत्यावर्ती परिवर्तन एवं एठी मध्य पिला माने कहते कि ये जो परिवर्तन हला बरफ क्षेत्र रे ताहा की प्रकार परिवर्तन ताहा निश्चित प्रत्यावर्ती परिवर्तन एबे देखो एटा गोटे कागज ए कागज को बर्तमान मु निया लगाउछि कागजटी बर्तमान जळि जाउछि एवं जळि गला परे कोन होउछि लक्ष्य कर बर्तमान कोन हला आउ तुम्हें कागज में देखा पाच कि देख कागज स्थान में केवल पाउँश ही रही आम एवश को पुणी कागज परिवर्तन करा कि ना आम करना तेणु ये हूँ गोटे स्थायी परिवर्तन बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन यही आलोचन रू आम स्पष्ट हलु जे परिवर्तन दुई प्रकार स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन को अप्रत्यावर्ती परिवर्तन व अस्थायी परिवर्तन को प्रत्यावर्ती परिवर्तन कह जाए आउ मध्य स्थायी परिवर्तन रे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए एवं उत्पन्न होता नूतन पदार्थ मूल पदार्थर गुण हरई देथाय तेणु यह रासायनिक परिवर्तन कह जाए तार उदाहरण होउची चीनी को गरम कले ता अंगार हो जाए तृतीया को गरम कले कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न हुए मैग्नीशियम फीता को जाळिले मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हुए ये जो नूतन पदार्थ सब उत्पन्न है सेगुड़िक मूल पदार्थर धर्म किसी न था तेणु एगुड़िक सब हूँ रासायनिक परिवर्तन।
ठीक से भली अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन मध्य कहुए। एही परिवर्तन नुआ पदार्थ किछि सृष्टि हुए नहीं, केवल तार आकार आकृति अवस्था रे परिवर्तन घटे एवं से पदार्थ तार मूल पदार्थर धर्म निहित रही थाए। जेपरिक चीनी को गुंड कले मीठा लगे, चक भांगी देवा, काच भांगी जीवा, डेक्ची को चेपा करवा, यह सब हूँ भौतिक परिवर्तन उदाहरण। एटी टिके कही रखुची पदार्थर परिवर्तन रे तापर मध्य प्रभाव रही। पदार्थर ताप प्रयोग कले केते क्षेत्र में प्रसारित हुए, केते क्षेत्र रे ताहा तरल पदार्थ हो जाए, पुणी तरल पदार्थ को ताप देले ताहा गैसीय पदार्थ रे परिणत हुए। ठीक अलटा भाव में ताकू मध्य जदि आम गैसीय पदार्थ को ठंडा करवा ताहा तरल अवस्था को आसीबो, पुणी तरल अवस्थार जदि ठंडा करवा ताहा पुणी कठिन पदार्थ हो जीवो। किंतु सबु पदार्थ क्षेत्र में ताहा होइन थाए, केतेक पदार्थ मध्य ताप प्रयोग कले से सीधा सीधी भाव में जली जाए थाए। तेणु एभली परिवर्तन रे विभिन्नता मध्य देखा जाए। आसो आमे बे द्रवण संपर्क रे आलोचना करिबा। पिलाने देखो तुम सामने किछि जिनिस रहिछि, सबु जिनिस गुडके तुमरो परिचित। ए बोतल रे पानी अछि, ये होछि काच ग्लास, एटे होछि लेम्बु, छुरी, चामच, एटे किछि चीनी अछि, आउ एटे किछि लुण अछि। ए सब जिनिस को नै तुमे घरे सब कोन करथु जानिछ, या को नै तुम मा शरबत करथि, अतिथि आसिले बा खरा बेले तुम घर कई आसिले तुम तक शरबत दियो। अच्छा आम ये शरबत कर पीवा। देख प्रथम मु ग्लास रे पानी ने ली, से चीनी पकईली, ताको आम घाटे दवा, अल्प टिके लुण मध्य दवा, तार स्वाद ठीक रहिबो। एबे ए चीनी पानी रे मिलाई जाउछि, एई समय रे आमे लेम्बु काटि नबा, एई आमे लेम्बु को मध्य पानी रे मिसाई देबा। वाह बर्तन आमर शरबत प्रस्तुत, आमे देखिबा केमिति लागुछि। तुम्हें मध्यान पीतु आम एक सब जाचु तेरे तुम सामने मुझे एगुड़ा कहीं देखे आरि भितर एक पाठ रही जहाँकि आम द्रवण द्रवणता द्रव द्रावक संपर्क में आम जाना। यही पा हे द्रवक, ये लुण आ चीनी मिलगला, जहाँ से मिल जाऊँगी द्रव बा द्राव, पानी है द्रावक एवं यही चीनी एवं लुण मिलगला आपको आम कह द्रवण बोली कह मिलवा गुण को द्रवणता बोली कह। आम जानल जल गुण हूँ द्रावक, चीनी लुण यह सब हूँ द्रव बा द्राव, यह आम द्रवण तैयारी करें। आउ थे गोटे द्रवण प्रस्तुत करवाच ग्लास किसी पा ने ଏଥିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଲି ଏବଂ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଲି। ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପକେଇଲୁ ଏବଂ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ଆମେ ପକାଉଥିବୁ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ସେଥିରେ ଆଉ ଲୁଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପାଣିକୁ ନେଇ ଗରମ କରିବୁ ଏବଂ ଗରମ କଲାପରେ ବାକି ଥିବା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲୁଣ ଦେବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିବା ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଆମେ ବି ଜାଣିଲୁ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଯେଉଁ ଗରମ କଲାପରେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆଣି ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ସେହି ପାତ୍ର ତଳେ
ସେଇ ଦ୍ରବ ପୁଣି ବସି ରହିଥିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦ୍ରବଣରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ତାର ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତାପ କମେଇ ଦେଲେ ବା ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ସିଏ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦ୍ରବକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ସବୁ ଦ୍ରବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଇନଥାଏ, ଏହା ତୁମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ତାପର ପ୍ରଭାବ, ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକାର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।